हिमाचल प्रदेश जल रक्षक महासंघ ने टूल टाउन स्ट्राइक पर जाने का फैसला लिया है। सोमवार सुबह राजधानी शिमला में प्रदेश भर से जल रक्षकों ने एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जल रक्षकों की मांग है कि उनके अनुबंध पर आने के कार्यकाल को 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष किया जाए। हिमाचल जल रक्षक महासंघ के अध्यक्ष रूपलाल का कहना है कि जल रक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार मांगे नहीं सुन रही। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग में इतने लंबे अंतराल के बाद कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लिया जाता, केवल जल रक्षकों के साथ ही ये भेदभाव किया जा रहा है। हिमाचल के समस्त जल रक्षक लगभग 4 सालों से अपनी जो है डिमांडे सरकार के समक्ष रख रहे हैं, पर उसके बावजूद भी जो उसका रिजल्ट निकला वो मतलब जीरो निकला। हम लगभग 1 महीने पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कार्य कर रहे हैं, मैं तुम्हारे मंत्री को बोलता हूं, जाओ आप उनके पास जाओ तो उनसे बातचीत कर लो। जब हम माननीय जल शक्ति मंत्री जी के पास सेक्रेटरी में शिमला में गए तो उन्होंने साफ शब्दों में हमें कह दिया कि तुम्हारा वेतनमान तो 900 रुपये बढ़ा दिया गया और क्या आप इच्छा रखते हो। तो हमने कहा सर, जब जल रक्षकों का जो सुबह से लेकर शाम तक काम कार्य करते हैं 4500 रुपये में, आज डेट में क्या होता है? आज की डेट में आप दालों का भाव देख लो, सब्जियों के रेट देख लो, टमाटर प्याज के रेट देख लो, 100 रुपये के करीब जो किलो के भाव के करीब है, तो इसमें हम क्या करेंगे? और हमारे जो जल रक्षक चाहे बिना अवकाश के, उनको बिना अवकाश के कोई भी जो छुट्टी नहीं है, चाहे कोई त्यौहार हो, बैसाखी हो, दीपावली हो, अन्य त्यौहार हो, उन्हें कोई भी अवकाश नहीं दिया जाता है। उसके बावजूद भी सरकार जो है जल रक्षकों के बारे में आज तक उन्होंने कोई जो है उचित फैसला नहीं लिया हुआ है, जिसमें हिमाचल के समस्त जल रक्षकों में रोष है। और हिमाचल के समस्त जल रक्षकों ने फैसला लिया है कि जब तक सरकार जो है जल रक्षकों की बातों को नहीं मानती है, वो शिमला से घर वापस नहीं जाएंगे। और जब तक जो टूल डाउन की आज से टूल डाउन हड़ताल पर हिमाचल के समस्त जल रक्षक जा रहे हैं, और जब तक जो है ये टूल डाउन हड़ताल जो वापस नहीं ली जाएगी, जब तक सरकार हमें लिखित तौर पर, वो भी आश्वासन नहीं, लिखित तौर पर जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानते हैं, हमारे हिमाचल के समस्त जल रक्षक शिमला में रहेंगे और कोई भी जो और जो जो बच जाएंगे वो जो कोई भी अपने काम पे ड्यूटी पे नहीं जाएगा। जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट पे आने का टाइम पीरियड है वो सरकार ने 12 साल की पॉलिसी हमारी बनाई है, और अन्य किसी भी विभाग में 12 साल की पॉलिसी नहीं है। हमने सरकार को बार बार आग्रह किया कि सरकार के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई नई पॉलिसी हमारी तैयार करनी है, कुछ ये करना है। हमने सिर्फ उनसे आग्रह किया था जो आपको उचित लगता है, जैसे 12 साल से हमारा टाइम पीरियड घटाकर 8 साल किया जाए, और कोई भी विभाग ऐसा विभाग नहीं है जिसमें कि 12 साल आने के बाद भी जल रक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर आता है और उसके बाद दो साल के बाद उसको 14 साल के बाद जो है जल रक्षक पक्का होगा। कब वो अपनी नौकरी का फायदा, हमारे में मैक्सिमम जल रक्षक जो कि कई कई जल रक्षक तो 53 साल के हो गए हैं और अभी तक 53 साल आने के बाद भी अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए हैं।